नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा। आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज पॉलिटिकल बाइट। अब देखिए, चाचा शिवपाल ने अखिलेश यादव को लेकर, अपने पद को लेकर और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी को लेकर बड़े बड़े बयान दे दिए हैं। जी हां, देखिए, शिवपाल यादव जब से अखिलेश यादव के दोबारा साथ आए हैं, क्योंकि आखिर अगर मैं शिवपाल यादव की बात करूं तो अखिलेश यादव ने उनको तलाक दे दिया था, जैसे कि ओपी राजभर को दिया था और बोला था, लेटर के द्वारा एक पत्र लिखा था और बोला था कि भैया जहां आप जाना चाहते हैं वहां जा सकते हो, ओपी राजभर भी और चाचा शिवपाल को भी बोल दिया था। उसके बाद मैनपुरी उपचुनाव आता है, खतौली आता है, रामपुर उपचुनाव आते हैं, इन सब में देखिए शिवपाल यादव साथ हो गए। साथ होने के बाद उनकी सिक्योरिटी छीन ली गई, सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया और साथ ही साथ, लेकिन देखिए अच्छी बात यह हुई कि मैनपुरी खतौली वो जीत गए, रामपुर खैर नहीं जीत पाए, लेकिन मैनपुरी से सांसद बन के डिंपल यादव और मदन भैया जो जयंत चौधरी की जो पार्टी है आरएलडी और साथ ही साथ सपा के गठबंधन से, वो वहां पे मदन भैया जीत गए। अब देखें कि शिवपाल यादव को कौन सा पद दिया जाए, ये जो खबर है, जो कयास उलट कल है इस पर काफी बढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मुलायम सिंह यादव की जगह ले सकते हैं, सपा संरक्षक के तौर पर शिवपाल यादव रह सकते हैं, हो सकता है कि ये पद मिल जाए, लेकिन अभी कोई औपचारिकता इसमें नहीं है। एक और भी बयान देखे देने से इस पर बच रहा है और शिवपाल यादव ने क्या कहा है ये मैं आपको सुना देता हूँ। पद हमारे लिए कोई माने नहीं रखता है, हमारे पास सभी पद रहे हैं, हम ऐसी पार्टी में रहेंगे, पद मिलेगा तो, नहीं मिलेगा तो। अब पहले भी हमारी पार्टी यही थी, लंबे समय तक मैंने बहुत लंबे समय तक काम किया है, अध्यक्ष से लेकर जनरल सेक्रेटरी से लेकर के लीडर अपोजिशन भी रहा ही रहे। हमारी भूमिका जो है, हमारी बिल्कुल भूमिका है, हम तो बिल्कुल मिल करके संगठन को मजबूत करके और जो जो उत्पीड़न हो रहा है और जहां जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर जहां जहां उत्पीड़न होगा, तो किसी भी कीमत पे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बड़ी जिम्मेदारी तो देखिए, पद हमारे लिए कोई माने नहीं रखता है, हमारे पास सभी पद रहे हैं और हम तो उस परंपरा के हैं, समाजवादी परंपरा के हैं। आपने देखा है कितने बड़े लोग हुए हैं, जयप्रकाश हुए, डॉक्टर लोहिया हुए, कौन सा पद था इन पर, लेकिन पूरे देश को हिला दिया था, पूरे देश को हिला दिया। तो सरकारें जब निकल पड़े तो सरकारों को पता नहीं चला था। तो पद मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जनता का विश्वास बड़ी बात। पहले भी हमारी पार्टी यही थी, लंबे समय तक मैंने बहुत लंबे समय तक काम किया है और सभी पदों पर भी रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से लेकर जनरल सेक्रेटरी से लेकर के लीडर अपोजिशन भी रहा, सरकार बनाई, कई बार बनाई। और जहाँ तक देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार चार बार रही, नेताजी से लेकर के अखिलेश तक, लेकिन इस तरीके का विपक्ष पर उत्पीड़न मैंने तो कभी देखा नहीं। नेताजी सबको सम्मान देते थे, विपक्ष के लोगों को भी सम्मान देते थे। मैंने कल जो देखा है, रायबरेली में भी उत्पीड़न, प्रतापगढ़ में भी विपक्ष के लोगों पर उत्पीड़न और झूठे मुकदमे इतने लादे जा रहे हैं, सौ सौ मुकदमे, पचास पचास मुकदमे लाद करके जेल भेजा जा रहा है। तो ये तो परंपरा भारतीय जनता पार्टी के सरकार डाल रही है, ये कोई लोकतंत्र में एक तरह से लोकतंत्र की सीधी सीधी हत्या ये सरकार करने जा रही है। इस तरीके की लोकतंत्र में अगर परंपराएं पड़ेंगी तो बिल्कुल लोकतंत्र के फिर तो खतरा ही है लोकतंत्र को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरीके का लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए था। अभी आपने मैनपुरी का चुनाव देखा, रामपुर का चुनाव देखा, अगर लोकतंत्र में इस तरह की परंपराएं पड़ेंगी जिसकी सरकार होगी पुलिस के बल पर, सरकार के बल पर अगर इस तरीके का उत्पीड़न होगा, वोट नहीं डालने देंगे,
तो फिर लोकतंत्र बचेगा। तो देखा कैसे आपने, शिवपाल यादव ने साफ साफ बोल दिया है कि पद की कोई लालच नहीं है। सेम जो इन्होंने बयान दिया है यहाँ पर, वही सेम बयान आदित्य यादव ने यानी कि शिवपाल यादव के बेटे ने दिया था कि पिता के लिए, मेरे पिता के लिए यानी कि आदित्य यादव के पिता के लिए, शिवपाल यादव के लिए कोई भी पद देखिए बड़ा नहीं है, क्योंकि हर पद पर वो रह चुके हैं और समाजवादी पार्टी को ऊपर उठाना ही एक इकलौता उनका मकसद है, अखिलेश यादव को सीएम बनाना ही इकलौता मकसद है, ये उन्होंने बोल दिया था। देखने वाली बात होगी कि पद मिलता कौन सा है, अखिलेश यादव उनके लिए कौन सा पद निकाल कर रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।